तुम्हारे अजीम भाई अभी भी शदीद कड़वे और उसीले मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बरसों पुराना गुस्सा ठंडा क्यों नहीं दे रहा? मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। आप भी तो यहाँ चले आए, आपको डर नहीं लगता? सोचे अगर वो लोग आ गए तो? इसरा, मुझे तो दिल के फफोले फोड़ने के लिए आना पड़ा ना। हालांकि मेरा मूड नहीं था, मेरा शदीद खून खोल रहा है मेरा, शॉर्ट हो रहा है मीटर। आप ना इत्मीनान रखें, अब पहले अजलान और अमल की एंगेजमेंट अच्छे से होने दीजिए, फिर हम एक बार फिर अपने भाइयों की अदालत में अपना केस रखेंगे। लेकिन तब तक आपको बहुत इत्मीनान और सब्र से काम लेना है, ठीक है? वो तो सब सही है यार, मुझे इग्नोर किए जा रहे हैं, आज तो मेरे सलाम का जवाब तक नहीं दिया। ओफो, आपके सलाम का जवाब मैं दे दूंगी, आप मुझे सलाम कर लिया करें, जितनी बार सलाम करेंगे उतनी बार जवाब दूंगी, लेकिन फोन पे। अभी आप जाएं? अभी नहीं ना, अभी नहीं। मुझे लग रहा है सब आ गए। तुम्हें लग नहीं रहा? मुझे कंफर्म लग रहा है सब आ गए। अब मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? आप चुप जाएं। अबे कहां चुप जाओ, तुम्हारा घर है, मेरा घर थोड़ी है। कहां छुपा? अब बेडरूम में, ताकि मैं पकड़ लूं और भैया तुम्हारे मुझे वही चुन ले। नहीं, बाथरूम नहीं, छत लॉक है। अबे तो खुला हुआ क्या है घर के अंदर? किचन में पकड़ा गया तो? नहीं, पकड़े जाएंगे क्या? अभी तो किचन में जाए। भाभी कहां है किचन? क्या किचन उधर है, जल्दी जाए किचन में। जाए ना किचन में, अंदर क्या भाई, अंदर ठीक है ना? तेरे ससुराल वालों को ना कोई तरीका है ना कोई सलीका है, बड़ा ही मेरा दिल दुखा है उनके घर जाके। शाबाश, जैसे इजारे का मुंह मत्था है वैसे उसका तरीका है। हाँ, मगों में चाय और ग्लासों में जूस है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों ने बड़ी देर लगा दी आने में। वालेकुम अस्सलाम। आनी, आज तो बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई, मामू जी ने तो महफिल ही लूट ली। अरे सारे के सारे इनकी पर्सनैलिटी से मुतासर हो गए थे। उल्टी खोपड़ी वाले पहलवान ने देखिया तो अमल का रिश्ता खतरे में पड़ सकता है। बचा ले, तू बचाने वाला है, तू ही बचाने वाला है। मम्मी जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, फंक्शन की शॉपिंग कब शुरू होगी? लेकिन यकीन नहीं आ रहा कि अजलान को अपनी बेटी देने पे कोई राजी हो गया। पुत्र अभी अकल के अन्ने इस दुनिया में मौजूद है। अबे क्या जेल बनाई हुई है, सब तरफ से लोहे लगा के बंद कर दिए। पानी भी नहीं आ रहा, वैसे गुड न्यूज भी है, अगले हफ्ते मेरी और अमल की एंगेजमेंट तय हो गई है। अरे मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू। सिकंदर के जिम में अंदर। अमल और तुम जाके रिंग भी पसंद कर लेना। क्यों जी, और जाके क्यों करेगा? मैं सोच लेता है, अजलान दी जड़ी माँ है ना, ओदी अंगूठी मेरे कोल पई है, ओही पवावांगे, क्यों पहलवान जी? हाँ, वो जो छोटी वाली है बेहतरीन है। हाँ। फिर कहीं ऐसा ना होना कि आप बोलें कि वो एंगेजमेंट के दिन जोड़ा दादी या परदादी का पहन लिया जाए। वैसे मम्मी जी ऐसे कर सकती है तो अच्छा है कि आपने पहले ही मना कर दिया। जब आप और अमल शॉपिंग के लिए जाएंगे ना तो हम तीनों साथ जाएंगे, हर जगह इकट्ठे जाएंगे, साथ जाएंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल जाएंगे। मेरा पानी पिया। अरे यार, आप बैठे लगता तारीख में आपको फिर बुलाएंगे। आज फिर हो क्यों थे बटू? कोई नहीं है, वो छोटी बिल्ली रखी हुई है, वो अक्सर किचन में घुस जाती है, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? घर में तो एक ही बिल्ली है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे कोई पेट्स नहीं। अरे पेट्स हैं, तुम्हें क्या पता तुम्हारी आंखें हैं या बटन। आप आई ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप कोई लूसी बिल्ली होगी। हां मेरे ख्याल से थक गए होंगे। अच्छा चलो, तो पकड़ा इसरा नहीं, मैंने पानी से खाना ऑर्डर करता हूं मैं, खाना। अब जाओ ना, अंदर जाओ, चलो तुम भी जाओ, जाओ जाओ जाओ। बिल्ली आ गई थी। चलो अजलान, जल्दी से अपनी प्यारी बिल्ली को अपने घर भेजो, जाओ। अरे चाचू नीचे क्या कर रहे हो? बाहर। अरे भैया मारेगा, मामू आ जाएंगे चाचा। अरे मारेगा मुझे वो चाचू, चिकन में बाहर आई है चाचू, मैं कह रहा हूं बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बोलियो से मारेगा, सर बचाओ, आ जाओ यार, बाहर चलो। मैं हूं ना,
निकलो। अलैकुम बाजी, की हाल है तुहाडा? ठीक हो ना? तानू एक खुशखबरी सुनानी सी। अजलान लोमड़ है गया ना, ओनू ओदे जई ना कोई लोमड़ी मिल गई है रिश्ते वास्ते। आहो ते कोई खुशखबरी सुनानी सी तानू। पूरे 7 दिन बाद ओदी है ये मंगनी, ते तुसी ते नवाब ने जरूर आना। मैं कहनी हां फौरन अपना सामान बन लो, फ्लाइट फड़ लो, बाकी गल्ला आन तो बात करांगे। हैं की ना आया की गल हुई? ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? ਬਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੁੱਸੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ? ਫਿਰ ਛੱਡੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਂ, ਓਏ ਫੋਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬਾਜੀ ਦਾ ਤਵਾ ਕਰਾਓ ਨਾ ਆਓ ਫਿਰ। ऐसे सिकंदर आज बड़े डैशिंग लग रहे हो। बाजी ये स्पेशल ओकेजन के लिए है। लग रहा है, लग रहा है। सारा कुछ तुमने देख लिया ना पीछे, सब सही है? भक्ति आ रही है। खैर कौन आ गया? कौन आ गए? तुझे मालूम ना लो। भाईजान, 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 वो तू वक्त से घंटा पहले ही नहीं आ रहे। अच्छी बात है, वरना आजकल तो दूल्हे वाले अपनी इम्पोर्टेंस बताने के लिए एक एक घंटे इंतजार करा। तनी जल्दी आ गए। दूल्हे वाले आ गए, दूल्हे वाले आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये भाईजान इधर हैं, पीछे। आपको तो डिसमिस ही कर गया मैं, लगा मुझे कि कोई ऐरा गैरा खड़ा है रस्ते। ठीक नजर नहीं आता ना। की हाल है? कैसी है सीना जी? बड़ी प्यारी लग रही हैं, लेकिन कुछ बदली बदली लग रही है। पंजाब का रंग नजर नहीं आ रहा। प्रोडक्शन का मसला लग रहा है मैनू। वैसे मैं तो कहनी है जैसा दिल वैसा पेस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है? बड़ी वैसे प्यारी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। भाभी जी बहुत छोटा सेटअप लगवाया आपने। हमारे यहाँ ना अकीके का सेटअप ना इससे बहुत बड़ा होता है। तो लग रहा है आपको आईसाइट का मसला कुछ। आप फिक्र ही ना करें, इंशाल्लाह शादी पे हम आपकी पसंद का बड़ा सेटअप लगाएं। प्लीज जरूर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आओ 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 आओ। भाईजान प्लीज रिलैक्स हो जाएं। अब देखिए असलान माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। पहलवान जहर लग रहा है। मगर अजलान तो शहजादा लग रहा है ना, और रिश्ता तो हमारा अजलान से जुड़ा है। ये पहलवान जी उनकी बेगम इनका क्या है? ये तो वो बाय वन गेट टू फ्री वाला मामला है। हसीना जी डेकोरेशन में भी ना चस नहीं है, नकली फूल लगाए हुए हर शादी पे, बार बार वो ही लगाते रहते होंगे। वैसे बात तो आपने ठीक की है पहलवान जी, कंजूसी की है इन लोगों ने बड़ी। हसीना जी बात यह है कि जब बंदे की सारी लाइफ स्ट्रगल में पैसे कमाने में गुजरी हो ना, फिर बुढ़ापे में भी ना पैसे खर्च करते हुए मौत पड़ती है बंदे को। इजहार है इजहार भाई,
आपने भाभी को बताया होगा है अपने माजी के हालात के बारे में। मैं तो गवाह हूँ भाभी जी है, एक ही मोहल्ले में घर था, एक चुंड में इनका घर था और फिर एक हमारा कराना था, शानदार दबदबे वाला रोप वाला। आपने बिल्कुल ठीक कहा है भाई साहब, मुझे भी बड़ी अच्छी तरह से याद है, एक ही तो मोहल्ला था हमारा। आपके वालिद साहब की दूध दही की दुकान होती थी, हमारे घर दूध वहीं से आता था। और अल्लाह बख्शे हमारे वालिद साहब ब्यूरोक्रेट थे, सरकारी मुलाजिम थे, और आपको पता है कि ईमानदार सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह जरा कमी होती है, तो इतना पैसा नहीं था लेकिन तालीम और रख रखाव जरूर था। और आप तो जानते हैं सबसे बड़ी दौलत तो इल्म की होती है, उस एतबार से हम तब भी अमीर थे और माशाल्लाह आज भी रईस है। लेकिन हमारी दूध दही की दुकान शहर की सबसे बड़ी दुकान थी। जी जी, भैंसों का शोरूम। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही है आपने वल्लो। अरे खास मेहमानों को कुछ खिलाने पिलाने का रिवाज खत्म ही हो गया, बातें ही किए जा रहे हैं हम सब। भाई असल में इस खानदान के पहले और आखिरी लड़के की रस्म मंगनी है ना। आखिरी चश्मा चला की तो थोड़ी अक्कल तो दिखाएंगे ना। अरे वेटर्स आओ, जल्दी आओ जल्दी। तू सब इनको भाई रखे जूस वहां रखे। लीजिए आप भी लेने, शायद पहले कभी नहीं खाया होगा। नहीं जी नहीं, मैं तो ये सब नहीं खाती हूँ, मैं जूस पीऊंगी। जूस? हाँ जूस। हसीना जी, सोटी पे झींगे को अजियत दे के कह रहे हैं खाना पीना बना लिया। अच्छा 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 जी, बहुत अच्छा है, पर ये मैं खाती नहीं हूँ जी। हाँ वैसे दुल्हन पुत्री किधर है? वो पार्लर गई है तैयार होने, बस आती होगी। काम पड़े तो और मंगवा ले। जी 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 जी, ये स्टार्टर है, स्टार्टर है इसके। दस दिन से आपने हमारे साथ कोई राबता नहीं किया, तभी क्या गुजर रही होगी हमारे। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं ट्रॉमा में था, मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, कौन है। आफात ने जैसे हमारे घर का रास्ता याद किया, एक मुश्किल से गुजरते दूसरी मुश्किल सामने आ जाती। छोटी सी जिंदगी है, अगर इंसान किसी के काम आ सके तो जरूर आना चाहिए। साथ चलते चलते कौन कहाँ कब नजर और रास्ता बदले पता नहीं चलता, हम सब अनजान मंजिल के मुसाफिर हैं। अजलान क्या मसला है, क्यों हर 5 मिनट बाद कॉल कर रहे हो, रेडी होने दो मुझे। तुम जब तक नहीं आओगी मैं कॉल करता रहूंगा, मुझे ये बताओ कि 5 मिनट तुम्हारे खत्म कब हो। हाँ तो इतना टाइम तो लगता है ना। अच्छा मुझे बताओ वहाँ पे क्या हो रहा है, सब क्या कर रहे हैं, मेरा वेट कर रहे हैं ना। अरे भाई यहाँ तो सब नाच नाच के पागल हो रहे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि एंगेजमेंट हमारी है, इनको क्या इतनी जज्बाती चढ़ी हुई। हाँ तो हमारी खुशी में खुश हो रहे हैं ना। अच्छा मुझे वीडियो कॉल करो, मैं देखूँ वहाँ पे क्या हो रहा है। नहीं नहीं वीडियो कॉल नहीं कर रहा, तुम यहाँ पे आके लाइव देख लेना। और बात सुनो, जरा डिस्टेंपर कम लगाना, ऐसा ना हो कि पहचानी ना जाओ। हाँ मेरे इतने महंगे मेकअप को डिस्टेंपर बोला तुमने, और मैं इसके बाद प्यारी भी तो लगूंगी ना। हाँ हाँ बहुत प्यारी लगती हूँ, यहाँ पे आओ मुझे देखो मैं कितना प्यारा लग रहा। अच्छा पढ़े लिखे लोगों की ना ये बड़ा मसला होता है, वक्त की कदर ही नहीं होती।
मैं कहनी हां कराची हाइट को ना मॉडर्न कराची हाइट। मैंने फोन किया भाई साहब, वो पार्लर गई थे तैयार होने, बस रास्ते में आ रही होगी। हां उसे कहो छेती छेती आ जाए, थोड़ा सा कट भी तैयार होगी ना, हमने तो कबूल कर ही लिया उसको। यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, खवातीन कोई परवाह ही नहीं है, कहाँ है वो इजहारा है? वो मेरे ख्याल से वो खाने का अरेंजमेंट देखने गए होंगे, डंडियों पे खाना दे रहे हैं, कराची हाइट मॉडर्न खाने। वैसे भाभी आप भी आज कुछ कराची हाइट ही लग रही, आपका तो अंदाज ही बदल गया यहाँ आकर। है ना लग रही है ना, मैं सोचा सी मैं किया सी है ना नू कि आज मैं ना कराची आलियां दी तरह मॉडर्न मॉडर्न तैयार होवांगी, लग रही हूं ना प्यारी जी। अगर आप कराची वालों की तरह सोचना भी शुरू कर दें तो शायद अच्छा हो। ऐसा क्या अलग सोचते हैं कराची वाले? ओ नो जी आ गए, चलो आ जाओ कर अल्लाह का, आ जाओ आ जाओ। पुत्र जी इतना खिलखिला के हंसने की जरूरत क्या है? वो कौन सी जदादे मिल गई हैं आपको? मर्द बने मर्द और गोल्डन वर्ड्स हैं, मामे की तरह रोब और दबदबे के साथ रहें। ले मैं तो लगता है पहलवान जी ने गुलामी दे अहद नामे ते ना साइन कर दिता जे आओ। अरे मामू जी हम कौन सा सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, दिल तो आपका भी कर रहा होगा, एक दो पंगड़े आप भी डाल लो। बात तो सही किया मुंडे ने, आइए भाई जी। एक्सक्यूज मी। आइए आइए भाई जी, सर पे हाथ रख के दुआ दीजिए, आपकी होने वाली बहू है आखिर। हाँ जी क्यों नहीं जी, क्यों नहीं, इजहारे की बेटी अब मेरे घर की बहू है। वक्त वक्त की बात है जी। हाँ जी वक्त वक्त की बात है, बरसों के जानी दुश्मन अब एक दूसरे के समधी हैं, गोल्डन वर्ड्स हैं जी। चलियो भाई। हाँ जी चलो जी, लाओ तुसी गप्पा शप्पा। चलो आओ आओ। चार घंटे मेकअप करके बिल्कुल भी चंगा नहीं बनाया है, चंगा तो मेरा मेकअप होया सी है, जोड़ी नहीं फबती पई। हां किसी को फबे ना फबे, मुझे बहुत फब रही है। अब मेरा तो बरसों का ख्वाब पूरा हुआ है, बदला पूरा हुआ है। ले शाबाश है मेरे पुत्र, अच्छी खुश कर दिया मेरा।
अच्छी हो जी मेरा पप्पर शेर, मेरा दिल चाह रहा है मैं थोड़ा सा तुम कौन है बिलवान जी, रोटी छोटी खा ली फिर नचांगे। हां हौसला रखो, अब बैठिए इथे इथे जी, रस में हो जाए ना फिर खुल के गाना गा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आओ भी बस काटते हो, चलो 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 आज भाई भाई आज रानी। इन दोनों की कामयाबी देख कर ना मेरे भी दिल में उमंग जाग चुकी है, अब मैं भी अपनी एंगेजमेंट के ख्वाब देखूंगा, आई मीन हमारी एंगेजमेंट के। इतने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों, बहुत। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अभी फूलों से भरी गाड़ी में, खैरियत है? बैंक लूटने का प्रोग्राम बना रही है। आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम जैसे आए थे, मंगनी की रस्म शुरू होने वाली है, आप लोगों को बुलाया जा रहा है। तुमने अपना फर्ज पूरा कर दिया जी, अब कटो। कटने का बोल रहा है? चलो दे देते मौका बच्चे को, चलो लग रहा लग रहा, आओ आओ बाय। चले चलो आज मैं किस तरह उतरूं? हाथ लेडीज एंड खवातीनों हजरात, आज के दिन की सबसे खास कार्रवाई मतलब पहलवान नफीस के पांजे की मंगनी होने लगी है, इसलिए आप सब अपने मोबाइल और बच्चों को छड़ें और तवज्जो यहां दें ताकि अंगूठी पहना के फौरन से खाना खोला जाए। लो जी इस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था। चल परे हो, जगह दे मेनू, हाँ मैं बनावांगी अंगूठी। चल 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 जगह दे मेनू, हाँ शाबाश लाओ जी। मामी जी मेरे भी कुछ अरमान चरमान थे। चुप कर जा हयानू आत्मार, वड्डे कुछ कर रहे ने थे, चुप रही दा। चलो जी बिस्मिल्ला करिए। लो जी होगी बिस्मिल्ला। मुबारक होवे मुबारक होवे, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। अमल बेटा तुम अपने हाथों से अज़लान को अंगूठी पहनाओ, ये लो। लो जी धार पाई, आज मैंने आपको अपने रिश्तेदारी का शर्फ बख्श दिया, लेकिन जरा दूजे तरीके से। मेरा ख्याल है कि इस माहौल को हसीन से मजीद हसीन बनाने की जरूरत है। हाँ हाँ, और गाना गाने की जरूरत है। ना 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 ना, मैं तो कहनी हूँ रोटी खिलवाओ, भूख लग रही है। चलो जी रोटी छोटी खाइए। एक मिनट सब ठहर जाए, मुझे भी एक ऐलान करना है। मैं इस्लाम की खाला हूँ, इसीलिए अमल की सास भी हुई, तो इसलिए मैं भी अमल को एक तोहफा देना चाहती हूँ। बुजुर्गों की तरफ से अमल को एक अंगूठी पहनाई गई है, लेकिन मेरी तरफ से ये अंगूठी अजलान अमल को पहनाएगा। इस मौके पे मैं एक शेर अर्ज कर रहा हूँ, बड़ा डीप शेर है। इरशाद इरशाद। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, तू क्या जाने कौन है सबसे बड़ा कमीना।
भाई आज तो बहुत ही मजा आया, मैं तो थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट मामा। गुड नाइट। भाई सुना, जरा इधर सामने आओ ना। तुमने क्या हमारी बेइज्जती कराने का हमसे स्टाम्प लिखवाया हुआ है? भाई जी क्यों ऐसे क्यों कह रहे? और जब हमने कुड़ी को एक दफा अंगूठी पहना दी थी, फिर क्या जरूरत थी नवी शोशा छोड़ने की? मैं तो समझ ही नहीं आई इन्हू हुआ कि ये दी शोखी हुई एकदम से। मैं तो दिमाग खराब करता है, दिल कर रहा उसी वेले रिश्ता खत्म करने का ऐलान कर देवा। ओ भाभी जी आप जाके भी ना मंगनी तो नहीं तोड़ सकती थी ना? क्या कहते हैं, हाँ जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अपने भाई को ना इतना हल्का ना समाज, गोल्डन वर्ड है रिश्ता क्या, मैं तो हुई भी शादी कंसो करा देता। खबरदार जो आइंदा मेरी ऐसे इंश्योर करने की कोशिश की, हाँ समझी। चलो गुड नाइट भाई जी। अच्छा वो मैं ही कह रहा था मामू, सोने से पहले अगर कोई फक्की चूरन खा लेना तो बेहतर रहेगा, हाजमा हो जाएगा ना। और आप भी सही कह रहे हैं, आप दोनों इस तरह खा रहे थे, मेरी इतनी इंसल्ट हो रही थी अमर की फैमिली के सामने। इस तरह कौन खाता है? पुत्री हम खाते हैं और तू भूल गई है, ऐसे तू खाती है। और तू तो दो दो प्लेटें पकड़ के खाती है, बकवास कर रही है, बड़ी अंग्रेज बन रही है। क्यों अंग्रेज का नाजम नहीं हुआ तुझे? पुत्री मैं तुझे देख रहा था, जैसे तू आज सोबरों की तरह खा रही थी ना, यकीनन भूखी आई होगी आज। जी दादी जी। मां सबके जा कुछ खा गया। नाम ने हाथ पहलवान की हरकतें देख ली तुम लोगों ने रात को? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, मैं कैसे धोखे में आ गया? कई सालों से जानता हूं मैं उसको, उसकी एक एक खसलत से वाकिफ हूं। ऐसे ही नहीं कहते, पहाड़ सरक सकता है अपनी जगह से, इंसान की खसलत नहीं बदल सकती। भाईजान आप बिला वजह टेंशन ले रहे हैं, वो नफीस कम नफसियाती ज्यादा है, उसकी और उसकी बीवी की बातों को इग्नोर किया करें, सीरियसली ना लें। तो ये मैं भी यही कह रहा हूँ, है वो नफसियाती। एसआर हमारी सोसाइटी में ऐसा ही होता है, लड़के वाले अपना हक समझ के लड़की वालों की दिल आजारी करते हैं और लड़की वाले कुछ नहीं कहते। I just kept quiet because of you people, वरना मैं तबीयत साफ कर देता उसकी। फिर क्या हो जाता, अपना ही तमाशा बनता ना सबके सामने। भाईजान वैसे भी हम तो उनसे मुख्तलिफ है ना, हमें तो ये पता है कि घर आए मेहमान की इज्जत ही करनी चाहिए। भाईजान उन दोनों ने जो कुछ किया गलत किया, मतलब कोई और होता ना तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। वो तो आपका जर्फ था कि आप खामोश रहे, लेकिन इसरा तो उसने तो इज्जत रख ली ना। देखिए इसरा जो है ना वो अजलान की फेवरेट है और अजलान और इसरा एक है, एक। माशाल्लाह इसरा ने मान रखा। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं उसकी जैसे कोई आपका बहुत ही ताल्लुक निकल आया, रह रही है वो लड़की अभी तक तुम्हारे लिए। इसरा ने मान रखा। इसार सिकंदर ठीक कह रहा है, अजलान इसरा को अपने मामू से ज्यादा चाहता है, और फिर अमल ने उन लोगों के साथ थोड़ी रहना है, कभी कभार ही मुलाकात होगी ना। खानदान से रिश्तेदारी मुझे नहीं पता, ये फैसला दुरुस्त भी है नहीं। मुझे लगता है कि अपनी बेटी का इस खानदान में ताल्लुक जोड़कर गलती की है। नहीं नहीं भाईजान, आप ये सोचे ना कि नस्ल तो बाप से होती है और अजलान के वालिद का तो सामने से दूर दूर कोई ताल्लुक नहीं है, तो आपने गलत फैसला नहीं किया, सही फैसला किया। दिखने में तो बिल्कुल मुख्तलिफ ही है वो उस नफी, क्या नाम ले रहा हूँ मैं, खबीस पहलवान से। हम जिक्र कर क्यों रहे हैं उसका? गुड आइडिया, लेट्स नॉट डिस्कस इट। भाईजान आपका टेम्परेचर कुछ हाई लग रहा है, क्यों ना कुछ ठंडा हो जाए। कोल्ड कॉफी, कोल्ड कॉफी। हाँ गुलाबो, गुलाबो दो कोल्ड कॉफी लाना, मलाई मार के, सही ना, दो, एक मेरी एक भाईजान की, चार है ना शमा। थैंक यू। अजी नहीं नहीं भाजी, बहुत गलत किया है। पुत्र जी गोल्डन वर्ड्स है, तारीख पुर जोर गवाही देती है कि आपने बड़ी मोहब्बत से, प्यार से, शफकत से मेरी परवरिश की है। मुझे ज्यादा अंदाजा है नहीं, मैंने तारीख पढ़ी नहीं मामा जी। तो पुत्र क्या याददाश्त ने भी काम करना छोड़ दिया है? कहें तो फिर गवाही दिला दूं मोहल्ले वालों से। इतने लंबे चक्रों में क्या पढ़ना है, वैसे भी देर हो रही है मुझे। मेरा मतलब है आप बहुत ही अजीम अजीम मामू जान। हो मुबारक हो पहलवान जी, कम से कम इतना तो माना कि आप एक अजीम इंसान। खैर मुबारक, खैर मुबारक। वैसे पुत्र जी किधर जाने की तैयारी है? वो मैं और अमल एक्चुअली डिनर पे जा रहे हैं। पुत्र जी आप दोनों के घरों में अच्छा डिनर नहीं बनता जो बाहर खजरकाल होने जा रहे हो।
अस्लान तुम्हें सांस नहीं हो रहा कि मैं कितनी देर हो रही है? ओए ओए बादरी, तू कितने चली है, वेट कर रहे हैं? मामी जान हम सब साथ जा रहे हैं। चलो ठीक है जाओ, वैसे अगर हमें भी दावत दे देते तो कुछ ज्यादा काटा तो ना हो जाता। उसके सुसर ने मना किया होगा ना, बंटे जैसी आंखों वाला मुझे जहर लगता है। मुझे वैसे जहर तो मुझे भी लगता है। ओह मम्मी जी डैडी जी हमें बहुत देर हो रही है, अजलान चलो ना, अमल भी हमारा वेट कर रही है। ठीक है रियो, वैसे इजाजत है मामू जी। ओ बात सुन, इधर आ इधर आ इधर आ, प्लान बना दे हरी ते मामू दा कोई ख्याल नहीं है। मामू ठटे कूं विच बड़ा वो आ गया, बीबा बन के जास्ता लैन ली खैरियत है जी। पुत्र जी गोल्डन वर्ड्स हैं, बीवी पे शुरू में जो रोक दबदबा रखोगे ना खीर तक फिर वो ही रहेगा। क्या बात की है मामू जी, वैसे रिजल्ट मेरे सामने है। पुत्र जी जो गलती मैंने कर लिया है वो आप तो ना दोहराएंगे। सही बात है। अच्छा खुदा हाफिज़। गलती मेरा माम है मामू जी। क्या गलती की है? वो जो मंगनी के बाद में कढ़ाई गोश्त खिलाने ले गया था और फिर टीवी में देखा था कि उस दुकान पे खोता बिकता था वो। आहो एक हफ्ता मैं अस्पताल च रही सी तुम्हारी वजह तो। वैसे क्या है तो एक दफा फिर चले रहन दो बस। वैसे मैं देख रही हूँ कि जब से तुम्हारी अमल से मंगनी हुई ना तुम्हारा एटीट्यूड बदल गया है, आना जाना ही छोड़ दिया। लगता है दामादों वाली अकड़ आ गई है। ये दामादों वाली अकड़ भी कोई चीज होती है? इसका तो मुझे आज से पहले नहीं पता। मैं बताता हूँ, जिस बंदे को अमल जैसी बीवी मिलेगी ना उस बंदे की अकड़ निकल ही जाएगी, सर झुकाए ससुराल में दाखिल होगा। ये हमारी अमल जो है ना एक मिनट में पूरी अकड़ निकाल देती है इंसान की। सुन रही है आप? डरा रहा है, धमका रहा है आपके होने वाले दामाद को। मैं तो इसके फ्यूचर से डरती हूँ, इसकी बातों को सीरियसली लेता है। पर सच्ची बात है, आजकल के जमाने के हिसाब से हमारी अमल है बहुत अनयूजुअल। अच्छा? बहुत सिंपल, बहुत मासूम, बिल्कुल अपनी पप्पू की तरह। अच्छा। मेरी बातें हो रही हैं? जी जी आइए आइए बैठिए। मैं तो पप्पू को ये कह रहा था कि भाई तुम्हें कुछ तमीज सिखा दें, कोई घर के काम सिखा दें, ऐसा ना हो कल तुम ससुराल जाओ तो कहीं नाक कट जाए तुम्हारी। ये बातें तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे मामू और मुमानी डालते हैं ना, क्योंकि वो इस ख्यालात के लोग हैं। मैंने एंगेजमेंट वाले दिन ही उनकी बेजारी महसूस कर ली थी, और तुम्हें देखो जो वो ऑर्डर कहेंगे वो लेकर तुम हमारे घर आ जाओगे। क्या हो गया तुम्हें, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? फुप्पो से मजाक कर रहा था मैं, बात से बात निकली तो तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? अजान बेटा तुम दोनों बैठ तो जाओ। नहीं बस ठीक है पप्पू मैं चलता हूँ। अजान अजान ये कोई बात ही करने वाली, और क्या जरूरत थी ऐसी बात करने की? मजाक कर रहा था वो, राई का पहाड़ बना दिया तुमने। अब जाओ सॉरी कहो उसे, जाकर मना कर लाओ उसे। मेरी शक्का क्यों खड़े हुए देख रही हो? जाकर माफी मांगो उससे, उसको अच्छा नहीं लगा तुमने उसकी फैमिली के बारे में बात की है, इंसल्ट किए उनकी हम सबके सामने। जाओ। हाँ तो मंगनी से पहले पता नहीं क्या क्या कहता था। हाँ तो मंगनी के बाद बातें बदल जाती हैं, आई समझ तुम्हें? बेवकूफ लड़की, अरे अजलान तो उसकी तबीयत को समझता है, इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहा है? और तुम जब भी बात करोगे ना को गलत बात ही करोगे। अब तुम्हारी वजह से देखो कितना फसाद हो गया है। सोच समझ के बात करते हैं, मजाक का भी कोई तरीका होता है, बस बैठे रहते हो पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हो, क्या करते रहते हो। भी देखो चले है, चले है, चले है, चले है, दुनिया ये मेरी।